काफ़ी इंतजार के बाद फाइनली इंडिया में मी ने मी स्मार्ट बैंड 5 लॉन्च कर दिया और ये हमारे पास भी आ चुका है। तो इस वीडियो में हम इसकी करेंगे अनबॉक्सिंग और बताएंगे इसके बारे में और ये कितना अपग्रेड हुआ है मी बैंड 4 से। तो जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और आप देख रहे हैं अपना ही चैनल मनीष टेक्निकल, और मनीष टेक्निकल के एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो चलिए इस वीडियो में करते हैं आगे इसकी अनबॉक्सिंग और ढेर सारी बातें। फाइनली हमने मी बैंड 5 को बॉक्स से बाहर कर लिया है और सबसे पहले बॉक्स के बारे में बता देते हैं। बॉक्स पे यहाँ पे क्या क्या मेंशन है, तो आगे की तरफ आप यहाँ पे देख ही सकते हैं मी स्मार्ट बैंड 5 एमोल्ड कलर टच स्क्रीन। तो 4 से थोड़ा सा अपग्रेड हुआ है ये, और यहाँ पे रियल टाइम हार्ट रेट मॉनिटर, वाटर प्रूफ अप टू 50 मीटर, तो ये सब तो मी बैंड 4 में भी आपको मिल जाता था। और यहाँ पे एक प्लस जो हुआ है ये मैग्नेटिक चार्जिंग का जो है, ये काफ़ी बड़ा अपग्रेड है मी बैंड 5 में मी बैंड 4 के मुकाबले, और इंडिया नंबर 1 ब्रांड है। और पीछे की तरफ मैं आपको दिखा दूं तो यहाँ पे मी बैंड 5 फिटनेस बैंड और इसके साथ हमें क्या क्या मिल जाएगा, तो फिटनेस ट्रैकर है, चार्जिंग केबल है, रिस्ट बैंड, यूजर मैनुअल, और प्राइस यहाँ पे मेंशन है 2999 रुपये, लेकिन हमें ये अमेजोन मी डॉट कॉम पे 2499 यानी 2500 रुपये में हमें ये बड़ी आसानी से मिल जाता है। और ये अगस्त 2020 का बना हुआ है और इम्पोर्ट भी किया गया है अगस्त 2020 में, और कंट्री है इसकी चाइना। तो ओवरऑल ये बात हो गई बॉक्स की, तो जो चेंज है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एमआई ने काफ़ी अच्छा वर्क किया है इस बार मी बैंड 4 के मुकाबले। यहाँ पे उन्होंने मैग्नेटिक चार्जिंग का ये दे दिया है केबल, तो काफ़ी अच्छे से ये वर्क करता है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये जो यहाँ पे इसका चार्जिंग का स्लॉट दिया हुआ है, तो बस आपको इसे इस जो ये जो आपका केबल है तो इसे आपको यहाँ पे ले जाना है और काफ़ी आसानी से जाके यहाँ पे ये चिपक जाता है, यानी कि अपने स्लॉट में ये बैठ जाता है ना, आप आसानी से मतलब गिरेगा भी नहीं, काफ़ी अच्छे से ये इसमें लग जाता है, मतलब कोई भी टेंशन नहीं आपको इसे ना निकालना पड़ेगा। जैसे मी बैंड 4 में हमें बार बार इसे निकाल के लगाना पड़ता था स्ट्रैप को, तो उसे काफ़ी कुछ दिक्कत होता था, तो यहाँ पर वो सब इन्होंने इस मॉडल में मी बैंड 5 में दूर कर दिया है, तो काफ़ी आसानी से ये वर्क करता है। और मैं आपको चार्ज करके भी दिखाता हूँ, तो काफ़ी आसानी से ये चार्ज मतलब हो जाता है और काफ़ी अच्छा ये मुझे लगा, क्योंकि बार बार ये स्ट्रैप हटाने से ये ढीला हो जाता था इस एरिया में, तो अच्छा भी नहीं लगता था और टूटने का डर बना रहता था, तो अब ये जो मुश्किल आती थी उसे मी ने दूर कर दिया है। तो चलिए ये तो हो गई चेंज की बात, और मैं आपको अब दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हमें इसे पेयर करना पड़ेगा, तो पेयर करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन में मी फिट एक एप्लीकेशन आती है, उसे आपको इंस्टॉल करना है, तो हमने इसे पहले से इंस्टॉल कर लिया है। तो चलिए अब जल्दी से इसे हम पेयर करते हैं, और यहाँ पे 2-3 लैंग्वेज आ रही है, इंग्लिश और ये चाइनीज वगैरह का लैंग्वेज है, तो इंग्लिश में हम आगे बढ़ते हैं। तो पेयर फर्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो मोबाइल में आपको मैं लिए चलता हूँ, ये हमारी एप्लीकेशन इंस्टॉल है, तो मैं इसे ओपन करके आपको दिखाता हूँ। जो भी परमिशन मांग रहा है उसे आपको दे देना है, प्रोफाइल में चलते हैं, ऐड डिवाइस में चलते हैं, बैंड, जो भी टर्म कंडीशन उसे एग्री कर लेना है। तो अभी सर्चिंग मोड में है ये, यहाँ पे आप देख सकते हैं मोबाइल में आ चुका है कंफर्म ऑन द बैंड, और यहाँ पे जो यस वाला टिक है इस पर हम टच कर देंगे, तो देख सकते हैं पेयर सक्सेसफुली हो चुका है और सक्सेसफुली हमारे ये मोबाइल से कनेक्ट हो चुका है। टाइम यहाँ पे आप देख सकते हैं 15% बैटरी का परसेंट भी यहाँ पे दिख पा रहा है, और हर्ट रेट का नीचे है, और ऊपर जो हमारा स्टेप वगैरह होगा तो वो भी है। 8:43 PM है संडे 10 तारीख, और यहाँ पर मोबाइल पर मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी सेटिंग करके, तो इसे करते हैं एक्टिवेट, हो सकता है अपडेट वगैरह आया हो तो वो भी यहाँ पर हो जाएगा। ओके, तो जब तक हमारा डिवाइस एक्टिवेट हो रहा है तब तक मी बैंड 5 में चलते हैं, हम देखते हैं इसमें हमें क्या क्या मिलता है। तो PAI, स्टेटस, हार्ट रेट, स्ट्रेस, ब्रीथिंग, मतलब बहुत कुछ इसमें इस बार मी बैंड 4 के मुकाबले इसमें ऐड हो चुका है। वेदर, नोटिफिकेशन, मोर वाले ऑप्शन में देखते हैं, DND, अलार्म, कैमरा, म्यूजिक, स्टॉप वॉच, टाइमर, फाइंड डिवाइस। तो यहाँ पे हमारा डिवाइस एक्टिवेट, डिवाइस सक्सेसफुली हो चुका है, तो इसने
डिवाइस को सक्सेसफुली अपडेट कर दिया है, अपडेट नहीं किया है, ऐड एक्टिवेट कर दिया है। तो ओके पे क्लिक करते हैं और रिस्टोरिंग बैंड सेटिंग, जो भी इस बैंड की सेटिंग है उसको ये रिस्टोर करेगा ये एप्लीकेशन। तो कुछ टाइम इसमें लगता है, तो इसे मैं जल्दी जल्दी फॉरवर्ड करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अपडेट भी एक आ चुका है, तो इसे भी जल्दी से हम अपडेट कर लेंगे, क्योंकि अपडेट आने से और अपडेट उसे कर देने से काफ़ी अच्छा डिवाइस इम्प्रूवमेंट हो जाता है। तो ये अपडेट में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसे भी मैं स्किप करके आगे आपको दिखाता हूँ। तो सारा कुछ अपडेट वगैरह करने में मुझे करीब 7 से 8 मिनट लग गए हैं, तो बहुत टाइम लग गया। इतना सारा अपडेट हो सकता है 2-3 अपडेट आया हो, लेकिन काफ़ी लंबा टाइम लग गया। और अभी मैंने इसे पावर बैंक से चार्ज में लगा रखा है, और मोबाइल में आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे एप्लीकेशन ओपन करके। तो यहाँ पे हमारा अगर ये डिवाइस चार्ज हो रहा है तो यहाँ एप्लीकेशन में भी ये शो कर रहा है चार्जिंग। और इसे अगर मैं चार्जिंग स्लॉट से हटा देता हूँ तो दिखाता हूँ, तो ये डिसकनेक्ट हो जाता है। तो अभी हमारी बैटरी 12% चार्ज है। और एप्लीकेशन में बहुत सारी सेटिंग है, यहाँ पे अनलॉक स्क्रीन, इनकमिंग कॉल ऑन है, तो ये आपको रिमाइंड करेगा अगर आपका इनकमिंग कॉल वाला ऑप्शन ऑन है, ऑफ़ कर सकते हैं, इवेंट रिमाइंडर है, अलार्म है, मतलब बहुत सारी सेटिंग वगैरह और बहुत ही सारी खूबियाँ इस बैंड में। और चलिए आपको स्टोर में मैं आपको ले चल के दिखाता हूँ। तो स्टोर में जो होगा आप इसकी जो वॉलपेपर है आप अपने हिसाब से इसे चेंज कर सकते हैं। तो ऊपर वाला जो भी है इसमें 4-5 यहाँ पे वॉलपेपर मिल जाता है, तो इसे आप अपने हिसाब से कस्टम कर सकते हैं, अपना वॉलपेपर, अपना फ़ोटो, खुद का कुछ भी आप लगा सकते हैं। और नीचे वाला जो भी ऑप्शन आपको यहाँ पे जो वॉलपेपर दिख पा रहा है तो उसमें से जाके आप अपना उसे एक्टिवेट कर सकते हैं। तो चलिए हम ये वाला सेलेक्ट करते हैं, सिंक डाटा डाउनलोडिंग हो रहा है और हमारा यहाँ पे ये सिंक होके यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा भी जो बैंड है वो इस तरह का हो चुका है। तो काफ़ी अच्छा है, आप अपने हिसाब से इसे चेंज भी कर सकते हैं, बहुत सारा यहाँ पे कस्टम मिल जाता है हमें। तो जो भी आपको आपके मूड के हिसाब से जो पसंद हो आप उसे यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसे मैं आपको थोड़ा सा खोल के और इसकी बिल्ड क्वालिटी वगैरह के बारे में बताता हूँ। तो काफ़ी आसानी से ये निकल जाता है, और जो Mi Band 4 था उसके मुकाबले ये थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा मतलब जो पहले वाला Mi Band 4 था उससे ये थोड़ा सा लंबा है। और यहाँ पे ये जो चौड़ाई आप देख पा रहे हैं ये थोड़ी Mi Band 5 में Mi Band 4 से थोड़ी सी हल्की सी कम है। तो काफ़ी अच्छा बिल्ड क्वालिटी और काफ़ी सॉफ्ट है। और अभी एक्स्ट्रा आपको Mi Store पे अभी इसके और भी कलर आते हैं वो भी आया नहीं है, तो आप अपने मूड के हिसाब से इसे पसंद करते हैं। मुझे ब्लैक ही ज़्यादा पसंद आता है और ये जल्दी गंदा भी नहीं होता, और इसे आप आसानी से आपके स्किन के हिसाब से फिट भी हो जाता है, और काफ़ी अच्छे से इसके सेंसर वगैरह भी काम करते हैं। तो सारा कुछ जाके आप एप्लीकेशन में सेटिंग कर लेंगे और काफ़ी अच्छे से ये Mi Band 5 वर्क करता है। तो मैं इसका काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहा था इस बैंड का, और फाइनली इंडिया में मिल ही गया है। तो चलिए अब इसे यूज करेंगे और देखते हैं किस तरह का है Mi Band 4 के मुकाबले, कितना अपग्रेड हुआ है और क्या क्या उससे अलग फीलिंग हमें आती है इसको पहनने में। की एक खास बात मुझे और लगी, आप यहाँ पे स्क्रीन पे टच करके रखेंगे तो यहाँ पे जो भी इसके वॉलपेपर वगैरह हैं आप यहाँ से ही खुद से चेंज कर सकते हैं, आपको एप्लीकेशन में जाना नहीं पड़ेगा। तो आप इसे यहीं से डायरेक्ट भी चेंज कर सकते हैं। तो हमारा अब इस हिसाब से सेटअप हो चुका है, और हार्ट रेट मेरी 79 है अभी प्रेजेंट में। तो काफ़ी अच्छा है ये Mi Band, अगर आपका बजट 2 से 2500 के बीच में है तो आप Mi Band 4 और 5 दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात इसकी हो जाती है ये चार्जिंग वाली, तो ये काफ़ी अच्छा मैग्नेटिक चार्जिंग है, तो ये इसे काफ़ी अलग बना देता है Mi Band 4 से। तो मेरी राय में आप इसे 2500 के प्राइस पॉइंट में काफ़ी अच्छा है, और आप इसे परचेज कर सकते हैं। तो कैसा लगा हमारा वीडियो ये Mi Band 5 के बारे में? तो आपका कोई भी सुझाव या शिकायत हो इस वीडियो के बारे में, इस बैंड के बारे में, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो ऐसे ही प्यार बनाए रखिए अपने इस भाई पर। मिलते हैं फिर अगले नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।